वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री गुरु रामदास जी भाई जेठा जी का जन्म 1534 ईस्वी में चूना मंडी लाहौर विच होया। आप जी के पिता जी का नाम हरदास जी अते माता जी का नाम दया कौर सी। आप जी का संबंध सोडी कुल नाल सी अते परिवारिक किता दुकानदारी सी। 7 साल की उम्र विच ही माता पिता जी का साया आप जी दे सिर तो उठ गया सी। आप जी दी नानी आप जी नू अपने कोल बसर के ले आई अते एते ही आप दा पहली बार तीसरे पातशाह जी नाल मेल होया। भाई जेठा लई पहला कर्म गुरु घर दी सेवा सी, पर इस दे नाल नाल पिरद नानी दी जिम्मेवारी दा एहसास भी सी। इस लई जीविका लई पहला घूमणियां वेचदे अते वटक नानी दे हवाले कर गुरु घर दे विच पहुँच जाते। श्री गुरु अमरदास जी साहिब ने अपनी साहिबजादी बीबी पाणी नाल आप जी का विआह कर आप नू गल नाल लाया। विआह पिछों आप जी दे घर 3 पुत्र पैदा हुए, बाबा पृथ्वी चंद जी, महादेव जी अते श्री गुरु अर्जन देव जी। 1574 ईस्वी विच तीजे पातशाह ने श्री गुरु रामदास जी नू गुरियाई दी बख्शिश कर गुरपद उत्ते सुशोभित कर दिता। तीजे पातशाह जी ने गुरु के चक दी जिम्मेवारी पहला ही आप जी नू सौंप दित्ती हुई सी। आप जी गुरियाई तारण करन उपरंत इत्थे ही आवसे अते अमृतसर शहर विच 52 वख वख कित्यां दे लोगां नू वसाया। गुरु रामदास जी ने 2 सरोवर रामसर अते संतोखसर दी खुदाई दा कारज भी आरंभ किया। सिख धर्म दे पैरोकारां दी गिणती विच उस वेले तक वड्डा वाधा हो चुका सी। इस लई आप जी ने मसंद प्रथा दी स्थापना कीती। इन्हां दा कारज दूर दुराडे खेतरां विच जाके गुरु नानक दे सिद्धांत दा प्रचार करना सी। गुरु पातशाह ने जद अनुभव किया कि समा नेड़े आ रहा है तां संगत नू सद्या अते गुरियाई दी जिम्मेवारी 5वें पातशाह वजों श्री गुरु अर्जन देव जी नू सौंप दित्ती। श्री गुरु रामदास जी दियां 8 वारां इस प्रकार हन। श्री राग गौड़ी बिहागड़ा वडहंस सोरठ बिलावल सारंग अते कानड़ा राग विच घोड़ियां पहरे करहले वणजारा अते सूही राग विच आनंद कारज वेले पढ़ी जांदी लावां दी बाणी। गुरु जी दी बाणी रचना 638 शब्द अते 30 राग श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विच दर्ज हन। अगर आप सब नू ए उपरला चंगा लगे ता इस चैनल नू लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो ताकि साडा ए सिक्खी इतिहास सारे भैन भरावां तक पहुँच सके। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।